तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल टुडे। और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने फोन से जो है DSLR की तरह DSLR कैमरा की तरह जो है पिक्चर्स को खींच सकते हैं, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट होगा फोकस में और आपका बैकग्राउंड होगा ब्लर। तो ये कैसे करना है जानने के लिए वीडियो जरूर एंड तक देखिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसका नाम है गूगल कैमरा। ये पहले प्ले स्टोर पे अवेलेबल था पर अब नहीं है, तो मैं जो लिंक दे दूंगा इसमें वहां से आपको डाउनलोड कर लीजिए। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक सिंबल दिख रहा होगा, तीन लाइन दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करना है आपको। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है लेंस ब्लर का जो आपको थर्ड नंबर ऑप्शन है उसको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, जैसे ये लेंस ब्लर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जिस ऑब्जेक्ट की फोटो लेनी है उसको फोकस करना है। जैसे मेरी यहाँ पे घड़ी है, मैं घड़ी पे फोकस करूंगा और मुझे जो पीछे का जो है एरिया ब्लर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फोकस करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखेंगे हल्का सा एक सिंबल आएगा, ठीक है, कैमरा का सिंबल। आपको उसे धीरे से क्लिक करने के बाद मूव करके ऊपर लेके जाना है। चलिए फिर से दिखा देता हूँ। फोकस करना है आपको, क्लिक करना है और धीरे से अपना कैमरा जो है टिल्ट करना है, जल्दी फास्ट नहीं करना है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फोकस करिए, क्लिक करिए, क्लिक करते एक ऑप्शन एक्टिवेट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। धीरे से जो फोन को आपको उठाना है, टिल्ट करना है, जैसे टिक मार्क आ जाएगा आपका जो फोटो है ऑलरेडी रेंडर के लिए प्रोसेस इमेजिंग के लिए तैयार है। तो उसके बाद ये इमेज की प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी और प्रोसेसिंग को शायद कभी 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक लग जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखिए। उसके बाद वो इस तरह की इमेज मिल जाएगी, फिर आपको नीचे तीन चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको जो सेकंड ऑप्शन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो अपने फोकस में चाहिए उस पर क्लिक करना है और आपको कितना ब्लर चाहिए जो आप नीचे देख रहे हैं आप नीचे, ठीक है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके सर्कल सेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको फोकस करिए और छोड़ दीजिए, बस अब कुछ नहीं करना आपको। आपको जो ऊपर डन का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना बस। जैसे अपने डन का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे फिर से जो है रेंडरिंग चालू हो जाएगा। ये इमेज को फाइन ट्यून करने वाला है, अभी पूरे बैकग्राउंड को ब्लर करने वाला और आपके ऑब्जेक्ट को जो है फोकस में रखने वाला। आप देख सकते हैं जैसे रेंडर होगा ज्यादा टाइम नहीं लगाइए, ये तो 5-6 सेकंड में हो जाता है दूसरी बार। ठीक है, अब देखिए जो है इसका क्वालिटी देख सकते हैं आप। मैं अभी जूम कर रहा हूँ फोटो को, अब देखिए जो पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर है और आपकी जो घड़ी है वो फोकस में आ चुकी है। मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ, क्लैरिटी मेंटेन्ड है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ 70% क्लैरिटी मेंटेन्ड है, 30% ब्लर में थोड़ी बहुत चली जाती है, लेकिन ये ऐप जो है तकरीबन 60-70% जो है आपके DSLR कैमरे के जैसा ही काम करता है। अगर आपसे अच्छा कैमरा है सैमसंग वगैरह तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतरीन काम करने वाला है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।